शास्त्र को ही भगवान का अवतार माना गया है। जितनी श्रद्धा मेरी राम और कृष्ण में होती है, उतनी श्रद्धा शास्त्रों में, स्मृति में, पुराण में होनी चाहिए, क्योंकि तस्मात् शास्त्र दुदाकार्य भक्ति मोक्ष परायण। जैसे भगवान में हमारी श्रद्धा होती है, वैसी श्रद्धा शास्त्र में रखनी चाहिए, क्योंकि अवतीर्ण जगन्नाथ शास्त्र रूपेण वे प्रभु, भगवान ही साक्षात शास्त्र के स्वरूप में प्रकट हुए। जब प्रमाण और अनुप्रमाण की बात आती है तो उनको छोड़कर केवल ज्ञान को ही प्राधान्यता दी गई, क्योंकि भगवान साक्षात ज्ञान स्वरूप है और शब्द रूपी शास्त्र उनकी आकार की मूर्ति है। हमारे पूर्वज जब कोई प्रमाण और अनुप्रमाण की बात आती है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात आती है, तो सबको ठुकरा कर शास्त्र को ही प्रमाण मानते थे। इसके कारण वह हमारे पूर्वज बहुत सुखी थे। एक कथा में सुनाता हूं, भीष्म पितामह जी अपने पिता शंतनु जी का श्राद्ध करने के लिए बैठे। अब शंतनु जी विचार करने लगे कि मेरे पुत्र भीष्म में कितनी शास्त्र के प्रति निष्ठा है, तो वह देखने के लिए उन्होंने हाथ बाहर निकाली। अब भीष्म पितामह विचार करने लगे, मैं पिंडदान करूं, शास्त्र ऐसा कहता है कि पिंडदान कुश के ऊपर करना चाहिए। अब मेरे पिता ने दो बार हाथ बाहर निकाले, तो क्या मैं उनके हाथ पर पिंड रखूं? तो मन में विचार किया कि शास्त्र भगवान का स्वरूप है, शास्त्र जो आज्ञा दे, शास्त्र जो प्रामाणिकता दे, शास्त्र जो प्रमाण दे, वैसा ही कर्म करना चाहिए। अगर मैं मेरे पिता के हाथ में पिंडदान दे दूंगा तो शायद उनको पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन शास्त्र कहता है कुश पर पिंड रखो तो वह मेरे पितरों को, मेरे पिताश्री को पहुंचेगा। तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए भीष्म पितामह ने वह पिंड कुश के ऊपर रखा। इसके कारण वह पिंडदान उसके पूर्वजों को, उनके पिता शंतनु जी को पहुंचा। तो शंतनु जी बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा, ऐसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया। त्वया दाया दवानस्मिन् कृतार्थ मृत्य चैव च सत्पुत्रेण तया पुत्र धर्मज्ञेन विपचित। ऐसा धर्मज्ञ पुत्र प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। और शंतनु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, एक वरदान भी दिया, तुम्हें जितनी भी आयु चाहिए, काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता अगर तुम्हारी आज्ञा न हो तो। इसके कारण भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ, तो वह पितरों की कृपा से। लेकिन शास्त्र में निष्ठा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जितनी श्रद्धा हम राम में, कृष्ण में, शिव में, माँ जगदम्बा में रखते, उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति, उतनी आस्था शास्त्र में रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही भगवान के अवतार है।